हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स इन बेस फॉर्म। मतलब मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो पहले बना रखी है, लेकिन वो थी फुल पावर के ऊपर, आई मीन विद फिनोमेनास। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी फिनोमेना के बस अपने बेस फॉर्म के दम पर ऐसे कौन से नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं जो कि टॉप 10 में अपनी जगह बना सकते हैं? वेल, आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। एंड हाँ, ये लिस्ट मेरे ओपिनियन के ऊपर बेस्ड है, सो अगर आपका ओपिनियन मुझसे मैच ना करे तो प्लीज़ ऑफेंड मत होना। आप अपनी लिस्ट कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स कौन है इन बेस फॉर्म। सो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज की इस टॉप 10 वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आता है आयरिस का हैक्सोरस। हैक्सोरस एक प्योर ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। एंड अगर हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस की एनिमे के अंदर, तो हाँ, पहले इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी जब ये पहली बार अपेयर हुआ था, एज ये एश के अनट्रेन्ड ड्रैगनाइट से हार गया था। लेकिन बाद में लिटरली मास्टर्स 8 में इसने खुद को प्रूव कर दिया, जहां पर ये सिंथिया की गार्चॉम से लड़ता है, और ना सिर्फ उससे लड़ता है बट ही इवन मैच्ड हर बीट फॉर बीट। और बाद में जब सिंथिया की गार्चॉम मेगा इवॉल्व करती है, उसके बाद भी हैक्सोरस वॉज एबल टू हैंडल हर अटैक्स प्रीटी वेल। ऑल्दो सिंथिया की गार्चॉम लो डिफिकल्टी के साथ मैच को जीत जाती है, बट स्टिल हैक्सोरस 10th पोजीशन डिजर्व करता है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट सिंथिया की गार्चॉम मेगा स्टेट में थी, बट स्टिल यहाँ पर हैक्सोरस उसे काफी अच्छी तरह से हैंडल कर पाया बिना किसी फिनोमेना के। नंबर 9 हंटर जी का सैलमेंस। दिस पोकेमॉन इज प्रीटी अंडररेटेड, क्योंकि एनिमे के अंदर इसने जो फीट्स दिए हैं, दे आर मोर देन इनफ टू पुट हिम ऑन पार विद लो चैंपियन लेवल पोकेमॉन्स। लाइक सीरियसली, ब्रैंडन के जो लेजेंडरी टाइटन्स हैं, अगर हम सबको हम इंडिविजुअली भी देखें तब भी वो लो एलीट 4 लेवल की पोकेमॉन्स हैं, बट पिलर्स ऑफ फ्रेंडशिप वाले एपिसोड में तीनों अपने कंबाइंड एफर्ट के साथ भी हंटर जी के सैलमेंस का बाली बाका नहीं कर सके थे। द ओनली पोकेमॉन हु वाज एबल टू आउटमैच सैलमेंस वाज रेजिगिगस, लेकिन रेजिगिगस के सामने भी ये काफी अच्छा लड़ पा रहा था। आई मीन सीरियसली, इसने रेजिगिगस के हाइपर बीम को अपने ड्रैगन पल्स से रोक दिया था, और सेकंड टाइम जब रेजिगिगस ने इसका ड्रैगन पल्स हेड ऑन लिया था, तब इवन रेजिगिगस को भी थोड़ा मोड़ा पुशबैक मिल गया था। नंबर 8 फ्लिंट का इन्फर्निप। अब यहाँ पर तुम फ्लिंट के इन्फर्निप को सारे एलीट फोर्स के पोकेमॉन में सबसे ताकतवर मान सकते हो इन बेस फॉर्म। ऑल्दो हंटर जेस सैलमेंस एंड फ्लिंट्स इन्फर्निप आर प्रीटी मच इवनली मैच्ड, लेकिन मैं इन्फर्निप को आगे रख रहा हूँ बिकॉज एनिमे के अंदर उसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। अब मैं उन परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर इसने जैस्मिन की स्टीलेक्स को हराया या फिर एश की पूरी टीम को हरा दिया विदाउट टेकिंग एनी सीरियस डैमेज। इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही थी सिंथिया की गार्चॉम के खिलाफ, जहाँ पर सिंथिया की गार्चॉम को इसने बहुत हद तक मैच कर लिया था और उसे लगभग हरा भी दिया था, बट अंत में वो उसके ड्रैगन रश को मैच नहीं कर पाता है। लेकिन हाँ, पूरे सीनों में बस फ्लिंट का इन्फर्निप ही एक ऐसा पोकेमॉन था जिसने सिंथिया की गार्चॉम को फुल पावर से लड़ने पे मजबूर कर दिया था। नंबर 7 रायहैंस टूरोलोडॉन। टूरोलोडॉन पहले मुझे यहाँ पर फ्लिंट के इन्फर्निप से कमजोर लगा था, बट जब मैंने इसके एबिलिटीज को सही से देखा तब मैं समझ गया था दैट ही कैन आउटमैच फ्लिंट्स इन्फर्निप। अगर दोनों में वन ऑन वन फाइट हो जाए तो फ्लिंट के इन्फर्निप का एडवांटेज है, बट ओवरऑल पावर में टूरोलोडॉन क्लियरली आगे है, क्योंकि जब इसकी फाइट लियोन के अनडिस्प्यूटेड चार्जार्ड से हुई थी, तब यहाँ पर उस मैच में टूरोलोडॉन काफी हद तक लियोन के चार्जार्ड को डोमिनेट कर पा रहा था। हाँ, लियोन का चार्जार्ड फुल पावर से नहीं लड़ रहा था, लेकिन तब भी वो पूरे मैच में बस एक ही अटैक मार पाया था, जबकि टूरोलोडॉन 3 सक्सेसफुल अटैक्स मार चुका था। ना सिर्फ उसने आयरन डिफेंस के जरिए ड्रैगन क्लॉ को रोका और उसका एक सुपर इफेक्टिव डिग भी सह लिया, बल्कि उसके फ्लेम थ्रोअर को भी अपने स्टील बीम से काफी इजिली ओवर पावर कर दिया। नंबर 6 लैंस का गैराडॉस। अगर लियोन के चार्जार्ड को बेस फॉर्म में सबसे अच्छी टक्कर देने की बात रही तो वो दी थी लैंस के गैराडॉस ने। लिटरली लियोन का चार्जार्ड फुल सीरियसनेस के साथ लड़ रहा था, लेकिन तब भी लैंस का गैराडॉस उसे पूरी तरह से मैच कर पाया था। हाँ, डैंथाई गॉर्गिस के सामने उसे काफी कमजोर दिखाया गया था, बट वी ऑल नो की फुल पावर में गैराडॉस वेंट 2-2 अगेंस्ट द फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस एस पोकेमॉन चार्जार्ड। वो उसके इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स को भी अपने वाटर टाइप अटैक से काउंटर कर रहा था। उसने उसके फ्लेम थ्रोअर को अपने हाइपर बीम से ओवर पावर कर दिया, एंड उसके बाद एक्वा टेल एंड आइस फैंग से उसे काफी अच्छा खासा डैमेज दे दिया, एंड उसके बाद उसके फ्लेम थ्रोअर एंड थंडर पंच को सह भी लेता है। ओवरऑल ही फॉट द बेस्ट अगेंस्ट लियोन्स चार्जार्ड एंड डेफिनेटली डिजर्व्स द 6th स्पॉट। नंबर 5 लैंस का ड्रैगनाइट, उसका ट्रू एस। अब ड्रैगनाइट को हमें उतना ज्यादा नहीं दिखाया गया मास्टर सेट में, एज यहाँ पर पहले वो अरोरा से लड़ता है, एंड उसके बाद तो यहाँ पर वो डैंथाई गार्डेवर के सामने अपने बेस फॉर्म में लड़ा ही नहीं। बट वी ऑल नो कि अगर वो लड़ता तो वो लैंस से 11 से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता, क्योंकि लैंस का सबसे ताकतवर पोकेमॉन ड्रैगनाइट ही है। आफ्टर ऑल ड्रैगनाइट ही वो पोकेमॉन था जिसकी मदद से लैंस ने 11 को हराकर उसे कैप्चर किया था। सो हाँ, पास में भी लैंस और ड्रैगनाइट 11 को हरा चुका है, एंड ऑल्सो ही इज मोर एक्सपीरियंस्ड देन हिम। ऑल्दो फीट्स में भले ही यहाँ पर गैराडॉस आगे हो, बट हम सब जानते हैं कि लैंस का सबसे ताकतवर पोकेमॉन ड्रैगनाइट है ओवरऑल पावर में, इसलिए मैंने इस लिस्ट में लैंस के ड्रैगनाइट को लैंस के गैराडॉस से ऊपर रखा है। नंबर 4 डैंथास गार्डेवर।
नाउ डैंथस गार्डेवोर इन बेस इज प्रीटी मच फीटलेस, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई भी फीट नहीं है कि मैं इवन टॉप 10 में भी उसे रख सकूं, बट फिर भी मैंने इस लिस्ट में इसे इतना ऊपर रखा है ऑल बिकॉज इट इज रियली अब्सर्ड फॉर मी टू इवन थिंक दैट डैंथाई गार्डेवोर की पावर मेगा स्टेट में इतनी ज्यादा बढ़ सकती है। लाइक अगर मैं सही से समझाऊं तो सिंथियाई गार्चोम बेस में एक मिड चैंपियन लेवल की पोकेमॉन है और मेगा फॉर्म में हाई चैंपियन लेवल की, और डैंथा की मेगा गार्डेवोर एंड सिंथिया की मेगा गार्चोम लगभग सेम लेवल पे हैं। मेगा स्टेट में दोनों ही हाई चैंपियन लेवल पोकेमॉन्स हैं। सो आप खुद सोचो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि डैंथाई गार्डेवोर बेस में यहाँ पर लो चैंपियन लेवल पे या फिर हाई एलीट 4 लेवल पे लेकिन मेगा इवॉल्व करके वो सीरियसली हाई चैंपियन लेवल तक पहुंच जाती है, जबकि हम सब जानते हैं कि सिंथियाई गार्चोम बेस में कितनी पावरफुल है लेकिन वो भी मेगा इवॉल्व करने के बाद बस मिड चैंपियन से हाई चैंपियन लेवल तक ही जा पाई। इसीलिए आई थिंक बेस में भी वो दोनों लगभग सेम लेवल पर ही हैं। नंबर 3 स्टीवन्स मेटाग्रॉस। नाउ स्टीवन का मेटाग्रॉस बेसिकली फीटलेस है बेस में, बट इसे भी इतना ऊपर रखने का कारण वही है जो कि मैंने डैंथाई गार्डेवोर के लिए दिया था, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्टीवन का मेटाग्रॉस बेस में बहुत कमजोर है एंड मेगा इवॉल्व करके वो अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है, एंड इवन बेस में भी वो देखा जाए तो कम्प्लीटली फीटलेस नहीं है। उसके पास एक बड़ा फीट है कि बेस में रहकर भी उसने एक ही फ्लैश कैनन से प्राइमल कायगर को नीचे गिरा दिया था जो कि उसका सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है, एंड सिंथियाई गार्चोम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक ड्रैगन रश से भी लैंडोरस को अराउंड 10 मीटर का पुशबैक दे पाई थी, एंड प्राइमल कायगर इज अ फार स्ट्रॉन्गर लेजेंडरी पोकेमॉन देन लैंडोरस। सो हाँ, स्टीवन का मेटाग्रॉस बेस में लड़ा नहीं है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कमजोर है, बेस में बस इसे मौका ही नहीं मिला फुल पावर दिखाने का। सो हाँ, जो भी हो, बट गिवन द स्टेटमेंट्स एंड फीट्स इन द एनिमे सो फार आई कैन नॉट रैंक हिम अबव दिस। नंबर 2 सिंथियास गार्चोम। सिंथियाई गार्चोम उन पोकेमॉन्स में से आती है हु हैव अर्न अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट थ्रू आउट द सीरीज। ये अपनी पूरी लाइफ में एक भी बैटल नहीं हारी थी, बस मास्टर्स 8 में यहाँ पर ये अपनी अनडिफीटेड स्ट्रीक बरकरार नहीं रख पाई क्योंकि इसके अनडिफीटेड स्ट्रीक को तोड़ दिया एश के मेगालुकारियों ने। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए देन सिंथियास गार्चोम प्रूव्ड टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन इन द एनिमे सो फार। उसने बेस में रहकर यहाँ पर फ्लिंट के इन्फर्निप को हरा दिया था एंड आयरिस के हैक्सर्स को भी वो बेस में रहकर हरा सकती थी, बस सिंथिया यहाँ पर आयरिस की स्ट्रैटेजी से इंप्रेस हो गई थी एंड इसीलिए उसने गार्चोम को मेगा इवॉल्व कर दिया, और मेगालुकारी के खिलाफ भी जो उसने बैटल लड़ी थी उसमें वो ऑलमोस्ट जीत ही गई थी। Megalucario only won that match because of his high endurance. So ha, for now, Cynthia's Garchomp is arguably the second strongest Pokemon among non-legendaries. और नंबर 1 Ash's Pikachu। एश के पिकाचू ने तो हर बार खुद को साबित किया है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक बेस में रहकर भी मास्टर सेट की फाइनल बैटल में उसने लियोन के अनडिस्प्यूटेड चार्जार्ड को हरा दिया था। अब मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने यहाँ पर बताया था कि लियोन का चार्जार्ड पिकाचू से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि मैं अभी भी मानता हूँ। यस, मैं यहाँ पर नंबर 1 पर आज भी लियोन के चार्जार्ड को ही रखूँगा एज आई थिंक वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा फैंस के बीच क्योंकि दोनों ही पोकेमॉन्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो हाँ, मैं इन दोनों को ही नंबर 1 पर रख रहा हूँ एंड ये डिसीजन आप पर छोड़ रहा हूँ कि आप बताइए कि इन दोनों में से आपको ज़्यादा ताकतवर कौन लगता है। सो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी पोकेमॉन के अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।